मोतेगांव टोला निवासी नाबालिग को सिलाई सिखाने के नाम पर ले जाकर व्यक्ति को बेचा गया। व्यक्ति ने किया दुष्कर्म, परिजनों ने की शिकायत। जिले के लांता थाना क्षेत्र के मोतेगांव टोला निवासी नाबालिग के परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। ग्राम के ही मंजूवी के व जमील कुरैशी द्वारा नाबालिग को जबलपुर में सिलाई सिखाने के बहाने ले जाया गया, लेकिन जबलपुर के नाम पर जयपुर ले गए और वहां पर मुकेश नाम के व्यक्ति को 1,50,000 रुपए में बेच दिया गया, जिसने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया, जिसके बाद नाबालिग उसके चंगुल से भाग आई, जहां अपने परिजनों को आप बीती बताई, जिसके बाद परिजनों ने मामले की शिकायत थाने में दर्ज करवाई, जिस पर पुलिस ने मंजू हुई के जमील कुरैशी और मुकेश के विरुद्ध धारा 363, 376, 366 ये भादवी एवं 5L 6 5 को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर विवेचना में लिया है। BNN टाइम्स के लिए बालाघाट से दुर्गा शरणागत की रिपोर्ट। जी, ये लोग मुझे मतलब जबलपुर के नाम से ले गए। कौन? मंजू। और उसके बाद है तो मुझे नहीं, मंजू की अकेले लेके गई थी और जमील कुरैशी। अच्छा, ये दोनों आपको सिलाई सेंटर के नाम से ले गए थे? हाँ जी। अच्छा, जबलपुर के नाम से ले गए, सीधे कहाँ ले गए? जयपुर ले गए जी। तो कहाँ रखे थे आपको जयपुर में? जी, होटल में रखे थे, विक्रम होटल। अच्छा, कितने दिन रहे आप विक्रम होटल में? जी, 15 दिन। अच्छा, उसके बाद फिर आप वापस आ गए? फिर एक तो आपको सिलाई सिखाए नहीं सिखाए उनने? जी नहीं, सिर्फ ले जाकर होटलों में रखते थे आपको ना। उसके बाद क्या हुआ जी? फिर वापस मतलब गांव से वापस जब जयपुर बुला लिए, मतलब ये लोग के साथ चली गई मैं जयपुर। अच्छा, तो फिर वहाँ पे 2 दिन रहे जयपुर में, उसके बाद है तो वहाँ जबलपुर तो प्लेरा में ले गए मेरे को, फिर वहाँ से मुझे छोड़ दिए और ये लोग वापस आ गए। तो आपने अपने माँ बाप को कोई फ़ोन वोन किए नहीं किए थे उस समय? जी नहीं। अच्छा, तो आप वहाँ से कैसे आए हैं? जी, मैंने मतलब वो मुकेश नाम का लड़का, उसके फ़ोन से मैंने कॉल की थी 1 बजे रात को। किसको? मंजू को। अच्छा, तो क्या बोली मंजू से? जी, कि बोलने लगी, मैंने बोली कि है तो मुझे यहाँ से लेने आओ, वरना मैं यहाँ से भाग जाऊँगी और तुम्हारे पर पुलिस केस कर दी। तो जी, उसी रात को आ गए और मुझे उठा लिया। अच्छा, तो आप फिर यहाँ अपने घर में कब आए? जी, मैं आई 19 तारीख को। 19 सितंबर को जी। उसके बाद आप FIR कब किए? जी, कल। लड़की को मंजू होके जबलपुर के नाम से ले सेंटर के नाम से लेके गए थे। कब ले गए थे? ये पाँचवा महीना 18 तारीख को। तो कितने दिन में वापस आए थे फिर? 15 दिन गई और वापस आई, और फिर 8-10 दिन के बाद फिर से गई, फिर 1 महीना रुकी और आई। 15 दिन में बोलने लगे कि नहीं, अभी तुम्हारी लड़की ब्लाउज और सूट्स बना रही है, और उसके बाद में फिर है तो 1 महीना रुकी तो बोलने लगे कि नहीं, अभी है तो स्कूल ड्रेस बना रही है मेरी लड़की, ऐसा हमको बोली। हमारी लड़की से बात करते थे तो बोले सिलाई कर रही हूँ मैं अभी। अच्छा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ बोलते हैं। फिर बाद में फिर आई तो फिर 10-12 दिन रुकी पढ़ाई में और फिर चले गई, और फिर गई तो अभी हमको खबर मिली कि नहीं, आपकी लड़की को बुलेरा गांव में बेच दिया, और है तो बेच करके वो लड़की 15 दिन रुकी और भाग गई, ऐसा खबर मिला। तो फिर हम लोग इधर सबको बताने लगे, पुलिस ने भी रिपोर्ट किया। आपको कैसे पता चलेगा बुलेरा गांव? बुलेरा से हमको फोन आया था, आशा करके एक लेडीज फोन लगाई थी हमको, वो बोलने लगी कि आपकी लड़की पायल नाम की कोई है क्या? तो हम बोले हमारी लड़की है, तो बोलने लगी कि नहीं वो तो भाग गई, उसको मंजू 1.5 लाख रुपए में बेच दिए और पैसे लेके चले गए मंजू। ये मंजू कहाँ रहती है? मंजू लामता में रहती है, मंजू के नाम है उसका। आपका परिचय? जी, मैं मंजू के पूर्व जिला पंचायत मेंबर। अच्छा, ये हरपाल टोला से कोई शिकायत दर्ज की गई है कि आप उनकी पुत्री को सिलाई सेंटर सिखाने के लिए जबलपुर ले जाने के नाम पर जयपुर ले गए हैं? ये बात सच है, लेकिन ये जो उन्होंने मेरे ऊपर जो आरोप लगाया है वो पूरी तरीके से निराधार है। और मैं ये कहना चाहूँगी कि उसके घर के जो उसके माता पिता हैं, सभी की मर्जी से वो लड़की गई है, लड़की की मर्जी से, लड़की ने खुद मेरे पास आकर प्रस्ताव रखी और घर वालों से पूछकर प्रस्ताव रखी। उसके बाद मैं उसके घर गई थी, मैं उसके घर खुद 2-3 बार गई हूँ उसके माता पिता से चर्चा करने के लिए कि देखो ऐसी ऐसी बात है और ऐसा बोल रही है,
और जब मैं यहाँ पे आई तो उस लड़की ने मेरे को बताई कि बोले देखो मेरा जबलपुर में काम नहीं है, लेकिन कोई राजस्थान का कोई लड़का है जिससे मेरा कॉन्टेक्ट है और मैं वहाँ जाना चाह रही हूँ, तो आप मेरे को सपोर्ट करो। चूँकि उस लड़की से, लड़की के बहुत सारे लोगों से संबंध थे, मैंने उस लड़की को डांटने के परस्पास से उसके घर में गई थी, है ना। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि आप मुकेश नामक लड़के को 1.5 लाख रुपए में उन्होंने बेचे। नहीं, ये गलत बात है। वो तो अब ऐसा है कि आरोप लगाने वाले कुछ भी आरोप लगाते हैं, जो भी अगर आरोप लगाए तो सच क्या है और गलत क्या है वो तो सब सामने आ जाएगा। नहीं, जब लड़की की शादी हुई तो उस समय आप भी वहाँ मौजूद थे? नहीं, तो उस समय मैं मौजूद ऐसी थी कि लड़की की मर्जी से सब कुछ हुआ है, लड़की इतनी छोटी सी नहीं है, लड़की नाबालिग है। लड़की नाबालिग है, लेकिन उसको तो वो बुजुर्ग लोग क्या ज्ञान होगा, इतना ज्ञान है उस लड़की को। लेकिन आपको तो मालूम था ना कि लड़की नाबालिग है? नहीं तो मेरे को कानून के विरुद्ध है। नहीं तो मुझे मालूम था, लेकिन मेरे को इन लोगों के अंदर की बात नहीं मालूम थी ना, क्योंकि उसमें तो उस लड़की की, लड़की के माँ बाप की भी सहमति थी। वो आपके पास ही कैसे इन्वॉल्व हुए और किसी से सपोर्ट ले सकते थे? पता नहीं वो लड़की मेरे पास क्यों आई, क्योंकि इसीलिए आई क्योंकि वो उसकी माँ मेरे यहाँ समूह से जुड़ी हुई है, किस्त पटाने के लिए वो लड़की आती थी। मेरे को उस लड़की के बारे में, हमारे मोहल्ले में एक लड़का रहता है ग्वारे समाज का, तो उस लड़की के बारे में मेरे को पता चला तो मैंने उस लड़की को डांटी थी और आना जाना करती थी, थोड़ी सी क्लोज हो गई थी वो। फिर उसने मेरे पास बात रखी कि बोले बड़ी मम्मी ऐसी ऐसी बात है और मैं जाना चाहती हूँ, तो मेरे को आपका सपोर्ट चाहिए। तो मैंने उससे कहा कि चलो ठीक है अगर जा रही है, लेकिन तुझे तुरंत वापस आना पड़ेगा। लेकिन वो नहीं मानी, और अगर मर्जी के खिलाफ होता तो वो लड़की दौड़ती भागती या तो फिर तुरंत पुलिस में जाती। फिर वो इतने दिन कैसे रही अपनी मर्जी से? तुमने तो ये भी आरोप लगाई फरियादी था कि आपको फोन करके धमकी दी है कि मैं आप में विरुद्ध FIR कराऊंगी। नहीं, गलत बात है। उनके परिजन बोल रहे थे कि आपको भी हम बार बार फोन से कांटेक्ट कर रहे थे, पर आप लड़की से बात नहीं करवा रहे। जितने भी बार उन्होंने फोन पे कांटेक्ट किया उतने बार उस लड़की से बात हुई है। चूंकि अब वो तो ऐसा है कि आरोप लगा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, और ये जितना भी उन लोग आरोप लगा रहे हैं सब निराधार है।